और उनके साथ साथ हज़ारों इस शहर से रखने वाले, ताल्लुक़ रखने वाले करीबी अज़ला सक्खर और उसके अलावा सिंध के नोटेबल्स जो हैं उनको भी कल इनवाइट किया जोहराने पे, तो मैं इनका शुक्रगुज़ार हूँ। और क्यों ना हो, ये वो ख़ानदान है सरदार अली गौर खान सीनियर जो 1940 की करारदाद में भी करारदाद पाकिस्तान का भी हिस्सा थे और जो पाकिस्तान की पहली असम्बली थी उसमें कायद आज़म के साथी थे। ये वो ख़ानदान है जिसने 1965 में अपनी महर फोर्स बनाई और सरहदों का तहफ़ किया, उस पर तमगे भी इनको मिला। ये वो ख़ानदान है कि जब कारगिल की वार थी तो जब ज़रूरत पड़ी इस मुल्क को तो अल्हम्दुलिल्लाह इस घर से हमारे इदारों को भरपूर तरीके से वही सपोर्ट मिली और इनके लोगों ने, इनकी कौम ने जाके सरहदों का तहफ़ किया। और आज जब मोदी ने एक मरतबा और छेड़खानी की और उसने शायद सोचा कि कोई तफरीक है, कोई फ़र्क है, शायद कोई डिवाइडेड पाकिस्तान है, तो ये वो ख़ानदान है जो सरहदों के महाफिज भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ अगर देखा जाए कि शराफत में, और देखिए अल्लाह ताला का दिया सब कुछ है।